मध्य प्रदेश की राजनीति में फ्रीबी की होली, भाजपा उल्टे पांव उतरकर मुफ्त के दावे कर रही है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हम आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी फ्रीबी की होली दिखाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, भाजपा जो अब तक दूसरों को फ्रीबी के लिए डांटती रही, अब खुद मुफ्त के दावे कर रही है। अभी अभी मिली खबर, मध्य प्रदेश के पास तो मामूली 2.25 लाख करोड़ आमदनी है, जबकि व्यय इससे 54,000 करोड़ ज्यादा, और अब उन्होंने और 23,000 करोड़ रुपए की नई घोषणाएं की हैं। ये तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। भाजपा जो अब तक फ्रीबी को गलत बताती रही, अब खुद फ्रीबी बांट रही है। क्या ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे जैसा नहीं है? भाई, जब आरबीआई से ऋण लिया जाता है तो क्या वह भी बाय वन गेट वन फ्री की स्कीम पर आता है? तो फ्रीबी आखिर किसको कहते हैं, जो खुद दे रहा है या जो दूसरों को डांट रहा है? तो आइए अब हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को समझें। स्टेट जीडीपी ग्रोथ, मध्य प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से लगातार कम रही है। 2021 व 22 में मध्य प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 8.7% थी। मध्य प्रदेश का कर्ज जीडीपी अनुपात देश में सबसे अधिक में से एक है। 2022 व 23 में मध्य प्रदेश का कर्ज जीडीपी अनुपात 37.7% होने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय औसत 31.7% है। रेवेन्यू डेफिशिएट यानी राजस्व घाटा, मध्य प्रदेश का राजस्व घाटा है, जिसका अर्थ है कि उसका अपना राजस्व उसके वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2022 व 23 में मध्य प्रदेश का राजस्व घाटा जीडीपी का 2.5% होने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.8% है। अनएम्प्लॉयमेंट या कहें बेरोजगारी दर, मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक में से एक है। 2022 व 23 में मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर 7.5% होने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.1% है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, यानी राज्य की आय नहीं बढ़ रही है। मध्य प्रदेश पर बहुत ज्यादा कर्ज है, यानी राज्य ने बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार को घाटा हो रहा है, यानी सरकार की आमदनी उसके खर्च से कम है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है, यानी बहुत से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इस सब का क्या सार है? इस सब का निचोड़ है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति का मतलब है कि सरकार के पास लोगों के लिए काम पैदा करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और बुनियादी ढांचे में निवेश करना मुश्किल होगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी हो, हमें तो मजा आ गया। आपका क्या ख्याल है इस मसालेदार खबर पर, नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक कीप रोलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।